समाचार चैनल से। दो दिन से लगातार एसडी महिला कॉलेज के सामने और उनके मुख्य द्वार पर, यानी कि यहाँ के 60 दुकानदार हैं जो अपने मांगों को लेकर और समस्याओं को लेकर धरना पर बैठे थे, और विभिन्न राजनीतिक नेताओं का और प्रत्याशियों का यहाँ बराबर आना जाना रहा। उन्होंने आश्वासन भी दिए कि एसडीएम महोदय जो इसे ये रिसीवर बनाए गए हैं, जो प्रशासक है, कि वो आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपके मांगे ठीक है। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि फिलहाल चुनाव का माहौल है और आचार संहिता लगी हुई है। सभी जितने भी यहाँ नेतागण आए थे, जो चुनाव में प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और शहर के मौजूद लोगों ने भी यही कहा कि आचार संहिता हटने के बाद आपकी जायज मांगे हैं, हम आपकी मांगों को पूरा करवाएंगे। ऐसे में हमारे साथ जो एसडी महिला कॉलेज के प्रधान है, इस मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान है अजय सैनी जी हैं, सर्व व्यापार मंडल के प्रधान मेरे साथ हैं बजरंग बंसल जी, भूटानी जी हैं मंडल के प्रधान रहे हैं, और अन्य उमरा गेट चौक के प्रधान भी यहाँ, कृष्ण इलाहाबादी जी यहीं बैठे थे, और मंडी के प्रधान भी यहाँ थे। सभी एसोसिएशन के प्रधानों ने इनको समर्थन दिया, लेकिन क्या निकल के आया है, आज इन्होंने धरना वापस कर लिया है, ले लिया है, है? तो उसमें गुलशन मक्कड़ भी यहाँ पहुँचे, और धरना क्यों वापस लिया गया है इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं। प्रधान जो अजय सैनी है, एसडी महिला कॉलेज रोड, दुकानदार एसोसिएशन के प्रधान है, मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान है, बताइए दो दिन से आप धरना स्थल पर बैठे थे और विभिन्न राजनीतिक दलों का यहाँ आना हुआ, और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या क्या आपकी समस्याएं और क्या मांगे आपकी पूरी होने का आपको यानी कि आश्वासन दिया? सर ऐसा है, लेकिन जो जो उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से खड़े हैं, सभी उम्मीदवारों ने यहाँ आके हमें समर्थन दिया, उस बात के लिए उनका धन्यवाद भी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया हमें कि जैसे इलेक्शन समाप्त होता है उसके बाद हम आपके साथ हैं, और आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है और पूरी करवाएंगे आपकी मांगे। उनकी बातों को लेके और हमारे साथ भिन्न भिन्न मार्केटों के प्रधान भी हमारे पास हैं, सर्वपाल मंडल के प्रधान बजरंग जी हैं, प्रधान जी हैं, भूटानी जी हैं, भाई साहब भी हैं मकर साहब, और कई जो भिन्न भिन्न मार्केटों के प्रधान हैं, सब ने हमें समर्थन दिया, हमारे साथ रहे, उनका दिल से धन्यवाद। और उन सबके आश्वासन पे आज ये धरना हम स्थगित कर रहे हैं दिवाली तक। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई उसके बाद फिर से हम दोबारा धरना यहीं लगाएंगे, सभी अनिश्चितकालीन धरना। सभी मार्केट वासियों का, सभी शहर वासियों का, सभी नेताओं का, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस धरना के समय हमारा सहयोग किया है, इसके लिए सबका मार्केट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और कई मार्केट हैं जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, उनका धन्यवाद पूरी मार्केट की तरफ से। बजरंग बंसल जी, दो मिनट के लिए आप बताइए, आप दो दिन से ये धरना स्थल पर बैठे थे और अपने मांगों को लेते, शंकी जी भी हैं और भी हैं, सभी में बड़ा जोश था, रोष भी था समस्याओं को लेकर, तो आज क्या हुआ? दुकानदारों की जो समस्या है वो जायज है, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि दिवाली तक इस मामले को स्थगित करके प्रशासन से बात करेंगे, कॉलेज के प्रशासन से बात करेंगे और सरकार से बात करेंगे, उसके बाद इनकी समस्या का समाधान करवाएंगे, और हमने रिक्वेस्ट करके इसको धरना उठवाया है। भूटानी जी सर ठीक है, करें हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, जैसे भूटानी जी है अपने, गुलशन मक्कड़ जी ने, रिंकू सैनी जी भी हमारे साथ ही थे, इनका पूरा इस बात का जो है इनके अधिकारों का कोई हनन नहीं होना चाहिए। ये थे बजरंग बंसल जी, श्रम व्यापार मंडल के प्रधान अजय सैनी जी, जो एसडी कॉलेज महिला कॉलेज के मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान है। इन्होंने खुद ने यही कहा है कि फिलहाल चुनाव तक हम शांत रहते हैं और मध्यस्थता भी करेंगे आपकी, व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल जी कह रहे हैं, और एसडीएम और आप लोगों के बीच में सेतु बन के आपकी एक एक यानी कि समस्या का समाधान करवाया जाएगा, और कोई कानून संगत ही सारी बातें होंगी, और आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा, किसी व्यापारी का, किसी दुकानदार को दबाया नहीं जाएगा, ये इनका कहना है, तर्कसंगत बात है। मैं राजीव बंसल